आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। यूपी के सहारनपुर में 2010 से गुरुद्वारा और मस्जिद को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से 2014 के अंदर सहारनपुर के अंदर दंगे भी हुए हैं, जिसकी वजह से गुरुद्वारा ने करीब 60 लाख के आसपास मुस्लिम भाईचारा को मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मुस्लिम भाईचारा के लोगों ने वो पैसे आज दिल्ली में आकर वापस किए हैं। हमारे साथ जो सहारनपुर से मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं वो दिल्ली पहुँचे हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, ये पूरा मामला आखिर क्या हुआ था, क्या विवाद था? ये जो हमारा गुरुद्वारा है सहारनपुर में गुरुद्वारा रोड पे, उसकी बगल में एक पीली कोठी के नाम से कोठी थी, उस कोठी के सहन में एक मस्जिद थी। तो अब वो उसे सन 1948-49 में बेच दिया गया कोठी को, तो बैनामे के अंदर ये लिख दिया कि मस्जिद अपनी जगह कायम रहेगी और पूरी ज़मीन का बैनामा हो गया। तो इस पर झगड़ा था। 2001 में गुरु सिंह सभा ने उसको ख़रीद लिया। गुरुद्वारे के विस्तार के लिए 2010-11 में काम शुरू हुआ, तो उस पर बवाल हुआ कि साहब यहाँ मस्जिद हैगी। उन्होंने कहा भाई हमने तो बैनामा खरीदा, तो वो कोर्ट में था। उसी केस को लेके 2014 में दंगा भी हुआ, कर्फ्यू भी लगा, हज़ारों लाखों लोगों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। तो वो कोर्ट में विचाराधीन था मुकदमा। तो प्रेम सिंह चंदू माजरा जी और गुरुप्रीत बग्गा यह मेरे घर गए, हमने मुस्लिम समाज को सबको बुलाया, इनकी मीटिंग कराई, तो वो जब से जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन 2014 में वहाँ पर दंगा भी हुआ, लोगों की जाने भी गई, लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ। हाँ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक हल तो निकालना है ना भाई। कोर्ट में जाके क्या होगा, वो भी एक हमारा ही तो भाई बैठा मजिस्ट्रेट, कोई किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, तो हम टेबल पे भी तो बैठ के तय कर सकते हैं ना। हमने हमारे इन्होंने तो दे दिया अब हमें कि गुरुद्वारा भी बने और मस्जिद भी बने, 60 लाख रुपए का कर दिया प्रस्ताव पास। अब हमने अपनी तरफ से उसे दान कर दिया गुरुद्वारा साहब को कि भाई ये गुरुद्वारे के अंदर पैसा लगावें और हम कार सेवा भी करेंगे इसकी। हम मुस्लिम समाज इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर हुआ कि जो दिल्ली में मुस्लिम समाज की मदद की और पंजाब में, बांग्लादेश में और मुख्तलिफ जगहों पे जब सिख समाज हमारे समाज की मदद कर रहा, तो हमारे समाज ने कहा कि हम उनका कर्ज नहीं रखने गए। और मुझे सहारनपुर के मुसलमानों ने दिल्ली भेजा कि आप उन्हें आश्वासन दे के और ये पैसा और ये तमाम ज़मीन वापस कर दी हमने इन्हें और ये गुरुद्वारा बनावे, और उन्हें कह क्या हो कि हम उसमें कार सेवा भी करेंगे और आपका एहसान उनका एहसान का के बारे में भी, और आपका हम पे एहसान है कि सहारनपुर के मुसलमानों से जब आप कहेंगे तब चुकाएंगे। लेकिन जो केस चल रहे हैं वो क्या वापस होंगे अब? हाँ, उसके लिए एक पैनल बना दिया, 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे केस वापस होंगे। जितने कोर्ट में केस हैं मुस्लिमों की तरफ से सिखों के खिलाफ और सिखों की तरफ से मुस्लिमों के खिलाफ, तो 10-15 दिन के अंदर अंदर सब ख़त्म हो जाना है ये, और फिर हम गुरुद्वारे का निर्माण शुरू कराएंगे खुद खड़े होकर। तो बिल्कुल हमारे साथ सहारनपुर से जो सिख सभा के लोग हैं जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बग्गा जी, आपने 2010 में ये तमाम बातें हुई थी, तो क्या मतलब आज जिस तरीके से मिसाल कायम की है क्या कहेंगे? देखिए, 2010 के अंदर जब ये ज़मीन ली गई और उसके बाद ये विवाद का एक उपज हुई और 2014 में एक इसके ऊपर एक हादसा हो गया और आज उसके ऊपर सौहार्द का जो मैसेज गया है, मैं कहता हूँ ये ऐतिहासिक फैसला जो मुस्लिम समाज ने करने का काम किया है इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी एहसान करता है ना तो उसका एहसान मानना चाहिए। झगड़ा कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हो और कोर्ट कचहरी का फैसला भी तो हमें मानना ही था ना, और अगर आज टेबल पे बैठ के दोनों पक्षों ने बैठ के इस मसले को निपटा लिया और 200 जगह की हमने बात की कि हम आपके, क्योंकि दोनों जगह इबादत होनी है और उस इबादत के उस घर के अंदर, खुदा के घर के अंदर, वाहेगुरु के घर के अंदर लोगों ने जाकर अपने नाम लेना है, परमात्मा का नाम लेना है, तो उस हमने इस चीज़ का सेटलमेंट किया। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो उन्होंने इतनी दरियादिली दिखाई और जो गुरुद्वारा साहब की जो ज़मीन जो उन्होंने ली थी वो ज़मीन जाकर जो है उन्होंने गुरुद्वारा साहब में ही गिफ्ट कर दी, और गिफ्ट करके उन्होंने जो है इतिहास कायम किया, मिसाल कायम की, जहाँ पूरे देश में माहौल आपको पता ही है कि किस तरीके का चल रहा है, और ऐसी माहौल के अंदर मुस्लिम भाईचारे का इस दरियादिली को दिखाना और गुरुद्वारा सिंह सभा, क्योंकि देखो हर किसी भी धर्म के अंदर उसकी आस्था उसके धर्म में है,
और गुरुद्वारा साहब का निर्माण जो पिछले 6 साल से रुका हुआ था, आज वो निर्माण वहाँ भव्य गुरुद्वारा बनेगा और वहाँ पर मतलब हर कोई आएगा, मत्था टेकेगा, कोई लंगर छकेगा, कोई अपना डिस्पेंसरी में इलाज कराएगा, कोई एजुकेशन लेगा। तो ये धर्म का काम, धर्म के अंदर धर्म का ही काम होता है और इस इतना बड़ा काम जो वहाँ हमारा रुका पड़ा था, आज वो काम स्टार्ट होगा और लोग वहाँ कार सेवा करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने लिखित फैसले में लिखा कि हम वहाँ कार सेवा करेंगे और हम तसला सिर पर उठाकर कार सेवा करेंगे। तो ये चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। हरमंदर साहब की नींव मियाँ मीर जी ने रखी, ठीक है, और आज वहाँ पर 1 लाख आदमी रोज लंगर छकता है उसी कैंपस के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक फैसला जो मुस्लिम समाज ने लिया है, ये इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता और इस ये हमारे ऊपर एक ऋण है इनका, और हम इसका इनको जो है इसका चुकाने का काम करेंगे। जो ये जो केस चल रहे हैं, आखिर क्या वो भी वापस होंगे या वो अभी कोर्ट में चलते रहेंगे? नहीं नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, इस फैसले के बाद, जब ये फैसले का मतलब यही था कि आपस में झगड़ा खत्म, अगर केस चलते रहेंगे फिर झगड़ा का एक खत्म हुआ। झगड़ा यही था कि 200-250 केस जो दोनों पक्षों के एक दूसरे के ऊपर थे, वो दोनों तरफ से नोट प्रेस होंगे, जो आपस में एक दूसरे के टाइटल को लेकर जो झगड़ा था वो विवाद खत्म होगा और बिल्कुल एक सौहार्द, एक नीट एंड क्लीन, एक जिंदगी जो नए सिरे से स्टार्ट होगी। और इसमें मैं फिर वही बात कि ये एहसान है हमारे ऊपर, क्योंकि गुरुद्वारा साहब का निर्माण इतने टाइम से रुका होना, और ये क्योंकि एक आस्था का मामला था और ये इन्होंने जो है बहुत बड़ा काम करने का तो काम किया। कब तक जो गुरुद्वारे का निर्माण है वो कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, वैसाखी वाले दिन खालसा सृजना दिवस का दिन है और मैं समझता हूँ कि उस दिन हम वहाँ पर कार सेवा स्टार्ट करेंगे मुस्लिम भाईचारे को साथ लेकर, और उससे पहले पहले जितने मेन मुकदमे हैं उसको हम नोट प्रेस करा देंगे। तो बिल्कुल, जो सहारनपुर के अंदर जो गुरुद्वारे का विवाद था वो अब सुलझ गया है और जल्द ही वो गुरुद्वारा बनने वाला है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।